चलो जी ये देख ले, मैंने क्या कहा था यूके के वेदर के बारे में कि ये देखे सुबह स्नो हो रही थी तो अभी देख ले हल्की हल्की धुप कहनी है मैं भी आना में तो बस अभी बच्चों को लेके तो स्कूल जा रही हूँ। आज हमारा लास्ट डे क्योंकि ईस्टर हॉलीडेज है तो बस जी उस पर कार खर्चे हैं बच्चे ला के शॉपिंग से। चलो कोई गल नहीं है भी लाइफ का हिस्सा, ठीक है चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये देखिए मैं बच्चों के स्कूल के बाहर आ गई और ये देखिए आपने मेरे कई वीडियोस में देखी होगी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं इनके स्कूल के इर्द के, तो ये देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँच गई ये वाली बिल्डिंग। तो यार बहुत ही वो जो है ना आई थिंक 14 इसके वो हैं अपार्टमेंट्स। तो ये देखिए उतने बंदा खलोए थे जी करे नहीं मैं तो बहुत डर नहीं आऊँ ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स। ये देखिए ये जी कहते हैं यूके में गर्मी आ गई है, लास्ट कपल ऑफ वीक्स जो थे ना वो बड़े हॉट गुजरे हैं तो आज तो वेखो स्नो भी हुई थी साफ ला लो तुम है तो देख ले यूके जो 10W बड़े मशहूर ने ये तो बस ये देखे तो वैदर कैसा बना हुआ है ना तुम कहीं नहीं तुम चुके देंगे यार गाइए ओनी मौसम है या शिकाना। ठीक है जी चलो कई बच्चों को स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं बच्चे जा रहे हैं कहीं अपने अपने घरों में। चल ये देखे काफ़ी अरसे के बाद हम आए हैं, ये बहुत अच्छी एक शॉप है हमारे टाउन में है, यहाँ पर हर किस्म का खाना मिलता है, ये हलाल है सारे फूड। तो कभी कभी बच्चों को यहाँ लेके आती हूँ, इनके ये कटलेट जो है ना बहुत नाइस है और मेरे बच्चों को तो स्पेशली जो है ना इनके कबाब रोल वो भी पसंद है। ये देखिए इसको ये खड़ी है क्योंकि इसको तो यहाँ से लेना है, इसको तो यहाँ से लेना है और यहाँ देखिए टाउन में ये हमारा टाउन है तो बस यहाँ से लेके तो इनको फिर हम लोग घर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आज एक मैं आपको बता बाद में बताऊँगी इंसिडेंट क्या हुआ यहाँ पर। चले जी ये देखिए अभी हम जो है ना बस स्टॉप पे खड़े हैं तो देखिए इतनी ज़्यादा एकदम स्नो शुरू हो गई और फिर दोबारा से वेदर जो है ना वैसे हल्का हल्का सा नहीं हो गया। ठीक है देखिए जी बस आ रही है, ये तो उधर जाने वाली बस है ना हमारी जो है ना वो इस तरफ से आएगी। ये देखिए ठीक है देखिए हमारी जो है ना बस वो इस तरफ से आएगी। तो ये देखिए अभी हम बस स्टॉप पे हैं, ठीक है घर जाके तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है चले जी ये देखिए हम लोग बस में बैठ के हैं तो बस जब बड़े चटके दे दीजिए पे ही पता नहीं क्यों है वो स्पीड ब्रेकर आया ना उससे हो गया। ठीक है जी तो अभी मैं आपसे बात करती हूँ बस में ही बात करूँगी तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सारा ना हल्लाते हाथ रहा दिखा देता नोवे को पाई कि दौड़ा लादा बस पढ़ लैनी होने इतने लाइफ इस तरह की दौड़ा लगाओ तो ताड़े काम होंगे ने। तो बस बच्चों के साथ मेरे बच्चे ये बैठे हुए हैं और हम लोग अब बस घर जाएंगे फिर घर जाके आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है जी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मैं एक अच्छे कॉज के लिए यूट्यूब चैनल को मैंने ना बनाया है। ठीक है मुझे मैं चैरिटी करती हूँ और अभी मेरी चैरिटी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन खुदा ने चाहा तो मैं अपनी चैरिटी को रजिस्टर्ड करवाऊँगी और फिर मुझे लोगों के लिए मुझे काम करना है क्योंकि आपने मेरी नेचर देखी होगी कि मेरा दिल करता है मैं सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाऊँ सबके साथ अच्छी तरह रहूं। तो बस मेरा मैं किसी को तकलीफ़ में देखूं तो मुझे खुद बहुत तकलीफ़ होती है तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरी बहनें जो या मेरे भाई या कोई फैमिली यू नो छोटी बच्चियां कोई भी बच्चे हैं जो ज़रूरत में हैं या जिनको ज़रूरत है मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँ। ठीक है तो आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं अपनी चैरिटी जो है ना वो रजिस्टर्ड करवा सकूं क्योंकि ये है ना कि नेक काम है और अल्लाह की राह में तो आपको पता है ना कि इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है ना चलो इतने नहीं तो आखिर चाहिए खुदा कोई साढ़े से भला कर देगा क्योंकि दूसरों का करेंगे तो हमारे बच्चों का अच्छाई आती है ना मैं तो यही जानती हूँ। तो चले अभी बड़ी बातें हो गई है तुझे भी कहने लगा मौलाना तो तकरीर ही करने लग पाई है मौलाना है मौलाना सुपर मॉम। चलो कोई गल नहीं अंज भी हुंदा वे है ना तो बर्दाश्त करया करो हमें एडे गुस्सा नहीं करीदा। चलो ठीक है मिलती हूँ फिर थोड़ी देर दे बाद घर जाके। ठीक है चलो बाय बाय। अभी हम स्कूल से आए हैं और हमारे घर में जैसे हमारा ये कुकर ख़राब था तो ये देखे जी नया वाला लगा के गए। ठीक है जी ये देखे
क्योंकि काफ़ी वो पहले वाला जो था ना वो ख़राब था, और बड़ा मैंने स्ट्रगल की है, बड़ा मैं वो रही हूँ। ये देखिए कैसे सारा यहाँ से ख़राब हो गया। चले जी, 2 ईयर वारंटी है इसकी फॉर फ्री, ठीक है। चले, मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ ये वाला स्टोव, ठीक है। तो ये वाइट है जो अच्छा तो नहीं लग रहा नहीं, क्योंकि ब्लैक है सारा कुछ, तो ये वाइट है। चले कोई बात नहीं है, ठीक है। चले जी, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चले जी, ये है हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं बच्चों को लेकर बाहर गई शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेकअप ख़रीदना सी। मैंने सोचा चलो मेकअप बाय करते हैं। तो मैं आई थी जी यहाँ पर सुपर ड्रग। दे हैव ऑल काइंड ऑफ मेकअप हेयर, दे हैव ब्यूटीफुल कलेक्शन, यू नो ऑल बिग ब्रांड्स दे हैव, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे हैव इज रियली गुड क्वालिटी एंड गुड प्राइसेस। सो आई थॉट लेट मी बाय समथिंग टुडे बिकॉज आई नीड सम मेकअप रियली बैडली। सो आई बॉट सम रेवोल्यूशन एंड देन आई लव रिमल। रिमल यू नो फेस पाउडर इज सो गुड, आई ऑलवेज यूज द रिमल फेस पाउडर। एंड देन टुडे आई बॉट समथिंग फ्रॉम रेवलोन एज वेल। सो इट वॉज आई बॉट इट यू नो द वन लिप टैन दैट इज रियली गुड, इट्स रेड color but it's really good. So I just keep everything, you know, because I'm planning to go somewhere, so when I go there I will take with me. Yeah, so the makeup was very good, my girls were enjoying. I remember those days when they were really little, so they were sitting in the pram, but when I see the makeup they always, you know, grab something and try to, you know, put on their hands, palm or either the back of their hand. And you know, the ladies whoever worked there, they said, oh, they're enjoying the makeup. I said yes, you know, because they are practicing when they grow up and how they're gonna use the makeup. So my girls enjoy really a lot. So it was really good time. तो रियली बच्चों ने यहाँ पर खूब इन्जॉय किया और अपना बचपन भी याद करती हैं। मुझसे पूछती हैं मम्मी हमने क्या किया, हमने क्या किया। तो मैं उनको सब कुछ बताती हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पर क्या करते थे। यहाँ पर ऑल काइंड ऑफ मेकअप है, जैसे मैंने आपको बताया था एल्फ है, फिर रेवलॉन है, और आई डोंट नो कौन कौन से मेकअप हैं। यू नो मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ, मैं बहुत मेकअप पर्सन नहीं हूँ। मुझे जो कुछ चाहिए होता है मैं जस्ट वही चीज़ बाय करती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट यू नो कम एंड डू विंडो शॉपिंग, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये देखिए मैं बता रही थी, ये मुआ का मेकअप जो है ना यहाँ पर वो गुड है, जो यंग बच्चियाँ हैं वो बाय करती हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए ऐसे ऐसे, मैंने सम बाय किया कुछ बच्चों के लिए ईस्टर एग, क्योंकि इन्होंने अपने टीचर्स को देने थे। तो ये थोड़ा ओल्ड व्लॉग है, लेकिन यह है कि मैं स्कूल जब लगे थे तब का व्लॉग है, लेकिन अपलोड अब कर रही हूँ। तो ये चीज़ के बाद बच्चों को लगी भूख, जैसी पेट पूजा कर ली, आगे मैकडोनल्ड, मेरी बच्चियाँ खेल रही हैं प्ले बिकॉज दे वॉन्ट, दे सेड मम्मी वाइल्ड फूड इज़ कमिंग, कैन वी प्ले। आई सेड यह यू कैन। तो वो प्ले कर रही हैं, तो मैं उनके साथ बैठी हूँ। तो मैंने कहा जे तुसी प्ले करे तेरी माँ क्यों ना प्ले करे। आई गेट एट वन यू नो द टैबलेट दे ऑलवेज पुट इट इन द मैकडोनल्ड्स। तो मैं सोची चलो मैं भी एक गेम प्ले करनी है, तो मैनू तो करनी नहीं, तो फिर ओ वेखो मेरा बॉल कितने का कितने जा पाया है। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा मामा प्लीज़ डू दिस एंड डू दैट एंड देन यू विल गेट इट द यू नो पॉइंट्स। आई सेड ओके वेखो जो ने मुझे दसिया, तो देन आई गॉट इट द पॉइंट। तो एनीवे बड़ा मज़ा आया आज, बहुत अच्छा लगा अपने बच्चों के साथ बाहर निकलना और उनके साथ इन्जॉय करना। तो मैं अब जब भी व्लॉग अपलोड करूँगी तो 2-3 दिन का हुआ करेगा, एज आई टोल्ड यू। तो मुझे आप बताइएगा अगर मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ तो मैनू माफ़ कर दो, क्योंकि मैनू ऐसा ऐसा बोलने की आदत नहीं। बट अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करें, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मेरी कोई करता है ना करेक्शन, तो आई नेवर सेड ओ इन्होंने मेरी करेक्शन क्यों की थी, इन्होंने मैं नया क्यों किया। आई डोंट माइंड बिकॉज इंसान जो है ना वो उसकी कोई एज भी नहीं होती लर्न करने की, ठीक है जी। तो चले यहाँ देखिए जी, ये दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, गर्मी भी लग रही थी, उतो फिर इन्होंने ऐसा जो कुछ अपने लेके खाना भी सी, तो वो भी खा रही थी। मैकडोनल्ड से भी खाया, लेकिन वो जैसे आइसक्रीम वगैरह कुल्फी जो होती है वो लेके खा रही थी। तो एनीवे वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर कार, तो अभी हम घर जाएंगे, घर जाकर फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, दिखाऊंगी कैसी की बाय कीता। तो बस जी, आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है प्लीज़। ये देखिए स्कूल से आ गई है, यहाँ पर हम लेके आए हैं इनके लिए ये आइसक्रीम, देखे ना लिए इतनी ठंड में। और ये अपने टीचर्स के लिए लेके आई हैं एग, क्योंकि ईस्टर आपको पता है, और ये ईस्टर एग्स हैं सारे। मैं आपको सारे यहाँ पर रखूँगी फिर दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो ये मैं अभी बाहर से हम लोग आए, मैं अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना लगी थी। चलो बेटा यहाँ पर सारे रखो, मैं दिखाऊँगी सबको। तो ये देखिए जी, अभी मैं चाय बनाऊँगी और फिर मैं आपको सारे ईस्टर एग दिखाती हूँ जो बच्चे मेरे लेके आए हैं। वो कहते हैं कि मम्मी इस दफ़ा क्या दें,
तो बस सब टीचर्स को ईस्टर एग देंगे, पेन्स वगैरह उनके कोई है हाइलाइटर वगैरह वो देंगी, वो देंगी और साथ एक एक डायरी दे देंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, ये सारे ईस्टर एग हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये सारे ईस्टर एग हैं जो ना वो लेके आई हैं। चॉकलेट होती है बस ये, क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, मैं खुद भी टीचर हूँ तो मैं एक बात जानती हूँ कि टीचर्स का बहुत हक होता है। सॉरी ये पीछे मेरा माइक्रो बंद हुआ, उसकी आवाज़ आ रही है। तो टीचर्स को कोई भी क्रिसमस हो, ईद हो, यू नो कोई ईस्टर हो, मैं ज़रूर कोई भी ओकेजन होता है मैं टीचर्स के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ भेजती हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें, ये अभी ईस्टर का हो गया और आज मैं बना रही बच्चों के लिए, मैंने कहा चिली चिकन बनाती हूँ। ये देखें जी, सारा कुछ मशरूम और पेपर्स वगैरह मैंने काट के सारा कुछ रख दिया। तो चिकन मैंने वैसे सुबह बना लिया था, तो बस अभी ये बनाऊंगी और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं हम लोगों ने और क्या उनके लिए लिया। और वो दिखाओ, वो डायरी दिखाओ जो ली है। मैं आपको डायरीज भी दिखाती हूँ जो हमने ली है, ठीक है। एक ये है कि बच्चे खुश हो जाते हैं ज़रा, और ये है कि कोई ऐसी चीज़ दो जो थोड़ी सी ना काम की भी हो। तो ये छोटी नोटबुक उन्होंने ली है, ये देखें छोटी नोटबुक है। तो टीचर्स हैं, टीचर्स के तो आपको पता है ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं, और साथ इनके मार्कर्स वगैरह, ठीक है जी। चले मैं आप लोगों से भी बाद में बात करती हूँ। ये देखें मैं अपने लिए ना ये लेके आई हूँ, ये हैं 4 वेजिटेबल बर्गर्स, ये वाले बने होते हैं, सारे वेजिटेबल के हैं। आई थिंक उन्होंने बैटर किया होता है, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला, क्योंकि मैं मीट चिकन बहुत कम खाती हूँ तो इसलिए भी मैंने कहा ये अपने लिए ले लेती हूँ। तो ये है जी 2 स्पाइसी नेचुरल बीन बर्गर्स। तो ये सारे ना बीन्स के बने होते हैं। एक अगर उन्होंने कहा ना स्पाइसी तो स्पाइसी होंगे जिससे गलत फहमी में ना रहना, ये बाजी जी और झूठ बोली जाते रहे, झूठ बोलने की मैंने कोई लोड़ नहीं, ठीक है। तो ये कि मैं कह चलो सब्जियाँ सब्जियाँ खा लिए और ना मैं ही वेजिटेरियन हो गई है, एवं झूठी वेजिटेरियन, चलो कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। और साथ में ये देखें जी, मैं झूठ बोला सी वेजिटेरियन नहीं, लेकिन मैं जो है ना बर्गर ये बहुत कम खाती हूँ, चिकन मीट वगैरह। तो ये देखें 4 बैटर चंकी खॉड फिलेट्स हैं, ये बहुत ज़बरदस्त फिश होती है, इसका तकरीबन इतना जो है ना वो होता है इसका, तो ये बड़ा पीस एक होता है। वॉट ओ अच्छा अच्छा, ये देखें जी मेरी बेटी लेके आई, ये आज ना ईस्टर के वो हैं, ये नैपकिन हैं, तो ये लेके आई है, कहती मम्मा जब डिनर करेंगे तो हम लोग ये वाले रखेंगे। तो मैं कहा ठीक है जी, क्योंकि स्पेशली ईस्टर के है ना नैपिस नैपकिन। तो अच्छा सॉरी, मैंने कहा हमें नैपकिन से कहा था, बच्चे वेखे जी अजकल कितने चलाक है ना, माँ बाप न फट पकड़ देने, मम्मी ये रॉन्ग थिंग। चलो कोई गल नहीं, अजकल के बच्चे साढ़े माँ बाप ने हैं, चलो आप मुझे बताओ बाकी अजकल के बच्चे हमारे माँ बाप होते हैं कि नहीं। चलो जी ठीक है, अभी मैं अपनी बेटी के साथ किचन में हूँ, मैं करूँगी कुकिंग वुकिंग, तो आप लोगों से हम फिर ठहर के मिलेंगे। ये मेरी हेल्पर है छोटी, ठीक है जी, चलती हूँ, ठीक है अभी फिर आती हूँ। मैंने सोचा जाने से पहले आपको बाहर का वेदर दिखाऊं। ये देखिए जी, यहाँ पर कोई हाल नहीं साढ़े वेदर का भी, ठीक है। देखो स्नो हो रही सी, तो मैंने कहा स्नो आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है जी। तो अब मैं इस वीडियो के बाद प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है जी। तो अगर कोई आप नई चीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताया करें, मैं बहुत खुश दिली से, बहुत ईमानदारी से आपके लिए वो चीज़ लेके आऊँगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ प्लीज़ इन्जॉय कीजिएगा, मेरा मकसद आपको खुश करना होता है, ठीक है जी। तो अभी हम चलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।